Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कोयटा में बुजदिल दहशतगर्दों का वार, इलीट फोर्स के ट्रक पर खुदकुश हमला, 5 अहलकारों समेत 7 अफराद शहीद, 25 जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल, ट्रक पर सवार 37 अहलकार ड्यूटी पर जा रहे थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी ट्रक से टकराई। हमले में 200 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, जिसमें C4 केमिकल भी शामिल था। सूबाई वजीर दाखिला सरफराज भुक्ती का धमाके की जगह का दौरा, मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि धमाके में 6 अहलकार शहीद और 22 जख्मी हुए। दहशतगर्दी में रॉ और NDS मुलव्वस है। वजीर आला बलोचिस्तान के भी कोयटा में दहशतगर्दी की मजम्मत, कहा जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। कोयटा की कमरानी रोड पर भी मुसल्ला अफराद का पुलिस इंस्पेक्टर पर हमला, फायरिंग से पुलिस इंस्पेक्टर अब्दुल सलाम शहीद हो गए। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं, दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाना हमारा असल मिशन और तरजीह होनी चाहिए। इत्तेहाद और यकजहती से ही दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सकता है। बेगुनाह पाकिस्तानियों की जान लेने वाले दुश्मनों के एजेंट हैं। कंदील बलोच कत्ल केस में जमानत मुस्तरद, मुफ्ती अब्दुल कवी मुल्तान की सेशन कोर्ट से फरार हो गए। अदालत ने मुफ्ती अब्दुल कवी की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर रखा था। साहब अदालत में इसहाकदार के खिलाफ असासा जात रेफरेंस की समाअत, इसहाकदार अदालत में पेश, इस्तेगासा के मजीद 2 गवाह बयान कलमबंद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जहांगीर तरीन नाईली केस की समाअत आज भी होगी। गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि वो जहांगीर तरीन